हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल स्टडी स्मार्टली। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार आए हो हमारे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। तो आज हमारा टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। मैं इसमें आपको बताऊंगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता कैसा है, हम इसे हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, फॉर्मेट कैसे करते हैं इसे। तो मैं आपको इसमें सब कुछ बताऊँगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर इसे पहचानते कैसे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने का तरीका क्या है। तो मैं ये देखिए यहाँ पे रहूँगा, रहेंगे, रहेंगी और रहेंगे, ये जो वर्ड है हिंदी में जब हम सेंटेंस बनाते हैं या फिर हम बोलते हैं तब लास्ट में ये तीनों जो वर्ड है ये आते हैं, ठीक है, ये आते हैं, तब पता चलता है कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। इसका एक फॉर्मेट है लिखने का, वो ये है, सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर शैल या विल। शैल मैंने पिछले सिंपल फ्यूचर टेंस वाले वीडियो में बताया था कि शैल जो होता है आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सभी के साथ विल लगता है। और इसमें बी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बी लगता है, वर्ब आई एन जी और ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब सिंपल वर्ब लगता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको सेंटेंस से एक्सप्लेन करूँगा कि ये कैसे हम फॉर्मेट करते हैं। तो ये देखिए, मैं आपका इंतज़ार करता रहूँगा, ठीक है, मैं आपका इंतज़ार करता रहूँगा। तो मैं हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे सबसे पहले, तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे आई, ठीक है, फिर शैल, शैल या विल, आई के साथ शैल लगता है तो शैल लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए बी है, तो हमें बी लिखना पड़ेगा, आई शैल बी, वर्ब मीन्स काम, कौन सा हो रहा है, इंतजार करना, ठीक है, तो वेटिंग। फिर ऑब्जेक्ट आपका, आई शैल बी वेटिंग फॉर यू, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आपको फिर समझ में आ जाएगा अच्छे से। आप लोग काम करते रहेंगे, आप लोग काम करते रहेंगे, तो आप लोग सब्जेक्ट हमारा, तो आप लोग सबसे पहले लिखेंगे, तो आप लोग को इंग्लिश में लिखेंगे यू, ठीक है, लिखेंगे यू, फिर आएगा यू के साथ विल, यू के साथ विल, फिर बी, काम करते रहेंगे वर्किंग, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, हम लोग टीवी देखते रहेंगे, हम लोग टीवी देखते रहेंगे, हम लोग मीन्स वी, ठीक है, वी के साथ शैल आता है, बस आई और वी के साथ शैल आता है। फिर वी शैल बी वॉचिंग, वी शैल बी वॉचिंग टीवी, ठीक है, ये था सिंपल, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस भी आता है जब हम बात करते हैं आपस में, तो नेगेटिव सेंटेंस भी यूज करते हैं, तो इसे हम इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे ज़्यादा कुछ फंडा नहीं है, ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें फंडा नहीं है, बस इसमें आता ये है कि यहाँ पे नहीं आता है सेंटेंस में, क्या आता है, नहीं आता है। तो नहीं में इंग्लिश में हम यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस नॉट ऐड करेंगे, क्या क्या ऐड करेंगे, नॉट ऐड करेंगे, ठीक है, नेगेटिव में यहाँ पे नॉट ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं आपको फॉर्मेशन बता देता हूँ कि कैसे फॉर्मेट होगा, ये सब कुछ सेम है, ठीक है, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट आएगा, शैल आएगा, विल आएगा, और फिर इसके बाद यहाँ पे प्लस में नॉट आएगा, ठीक है, यहाँ पे नॉट आएगा, फिर बी आएगा, ठीक है, ये इसकी फॉर्मेशन है, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पे चलिए करते हैं, यहाँ पे लड़के कक्षा में हल्ला नहीं करते रहेंगे, ठीक है, लड़के कक्षा में हल्ला नहीं करते रहेंगे, तो लड़के हमारा सब्जेक्ट है, तो लिखेंगे बॉयज, विल नॉट
बी मेकिंग नॉइज, ठीक है, इन द क्लासरूम, कक्षा है क्लासरूम, ठीक है। बॉयज विल नॉट बी मेकिंग नॉइज इन द क्लासरूम। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं परीक्षा नहीं देता रहूंगा, तो आई शैल नॉट, सब कुछ सेम है फॉर्मेट, आई शैल नॉट बी गिविंग एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैं फिल्म नहीं देखता रहूंगा, मैं फिल्म नहीं देखता रहूंगा, तो फिर से सब्जेक्ट हमारा आई है, फिर शैल नॉट बी वॉचिंग मूवी, ठीक है, आई शैल नॉट बी वॉचिंग मूवी। फिर देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस आता है, ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इसमें क्वेश्चन जो होती है, मीन्स क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आंसर उसका सिर्फ येस और नो होता है। और हिंदी में अगर पूछे तो इसे हम क्या से पहले, मीन्स क्या कर, मतलब क्या है, क्या वह बैठा है, क्या वह दौड़ रहा है, क्या वह खेल रहा है, मीन्स क्या से स्टार्ट होता है। और इसका जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन कुछ इस तरह है, पहले शैल विल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, बी आएगा वर्ब, आई एन जी ऑब्जेक्ट, और फिर अगर कहीं बीच में नेगेटिव आ गया, मतलब इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नॉट आ जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। तो मैं आपको सेंटेंस बताता हूँ कैसे आएगा। देखिए, क्या वह बैठा है, क्या वह बैठा है, बैठा रहेगा, तो यहां पे वह है, वह के साथ क्या लगता है, विल लगता है, तो विल लिखेंगे पहले, विल, फिर सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट क्या था, वह, ही, बी बैठा रहेगा, सिटिंग, ठीक है। फिर सेकंड है, क्या तुम नहीं पढ़ते रहोगे, क्या तुम नहीं पढ़ते रहोगे, तो तुम है, तो तुम के साथ क्या लगता है, विल, तो विल लिखेंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट यू, फिर नॉट बी, ठीक है, विल यू नॉट बी स्टडिंग, ठीक है, क्या तुम नहीं पढ़ते रहोगे, विल यू नॉट बी स्टडिंग। थर्ड देखे, क्या वे लोग नहीं खड़े रहेंगे, क्या वे लोग नहीं खड़े रहेंगे, तो विल दे नॉट, विल दे नॉट बी स्टैंडिंग, ठीक है, क्या वे लोग नहीं खड़े रहेंगे, विल दे नॉट बी स्टैंडिंग। फिर डब्ल्यू एच क्वेश्चन जो है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन में व्हाट, व्हाई, हाउ, ये सारे आते हैं, ठीक है, ये सारे आते हैं। इनका जो फॉर्मेट है लिखने का, मैं अभी एग्जांपल के साथ कराऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे डब्ल्यू एच आई वाले पहले आएंगे, व्हाट, व्हाई, हाउ, ठीक है, फिर उसके बाद शैल या विल आएगा, सब्जेक्ट आएंगे, बी आएगा, वर्ब वन, और ऑब्जेक्ट आएगा लास्ट में। एक एग्जाम्पल लिखते हैं, लेके बताता हूँ आपको, देखिए यहाँ पे, आप उसकी प्रतीक्षा क्यों करते रहेंगे, आप उसकी प्रतीक्षा क्यों करते रहेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्यों, जो वर्ड है क्यों, आपको पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा वाई,
ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए आप है, यहाँ पे आप, तो आप मीन्स यू, यू के साथ क्या लगता है, विल, तो यहाँ पे विल सब्जेक्ट हमारा, फिर यू, वाई विल यू प्रतीक्षा करते रहेंगे, मीन्स वेटिंग, पहले यहाँ पे बी आएगा इसके बाद फिर वेटिंग, ठीक है, वेटिंग उसकी, हर, वाई विल यू बी वेटिंग हर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैं कब परीक्षा देता रहूंगा, मैं कब परीक्षा देता रहूंगा, तो कब मिस वैन, ठीक है, वैन यहां पे देखिए मैं है, क्या है, मैं है, तो यहां पे शैल लिखना पड़ेगा, शैल आई बी गिविंग एग्जाम, यहाँ पे है थर्ड, वे क्यों बच्चे पीटते रहेंगे, वे क्यों बच्चे पीटते रहेंगे, यहाँ पे क्यों मीन्स वाई, फिर आएगा विल और वे का दे आता है, तो वाई विल दे बीटिंग बी बी बी, ठीक है, वेटिंग चिल्ड्रेन, सॉरी, बीटिंग चिल्ड्रेन, ठीक है। तो ये था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, और वीडियो अच्छी लगी तो हमारे साथ पढ़ते रहिए टेंस, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल प्लीज़ दबाइए, जिससे कि आपको अपडेटेड वीडियोस मिलती रहे, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लर्न टेंस विथ अस, मीन्स यू एंड मी, थैंक यू।